दोस्तों, क्या आपका भी टेलीग्राम नंबर बैन हो गया? अगर हो गया तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अनबैन कर सकते हैं इस अपने टेलीग्राम नंबर को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने टाइटल और थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बिल्कुल आपने सही किया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बैंड नंबर, टेलीग्राम बैंड नंबर को कैसे अनबैंड कर सकते हैं। जो अपना टेलीग्राम नंबर ब्लॉक हो जाता है उसको आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि टेलीग्राम नंबर कैसे बैन हो जाता है। जो सारे सोशल मीडिया के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वैसे ही सेम टेलीग्राम एप्लीकेशन के भी होते हैं। तो जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको आप तोड़ देते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ हो, तो आपका जो नंबर है वो बैन कर देते हैं। दोस्तों, हालांकि एक दो बार में अनबैन कर देते हैं, पर दोस्तों अगर बार बार आप वही गलती करते हैं, वही मिस्टेक कर देते हैं, तो आपका परमानेंटली टेलीग्राम बैंड कर देता है नंबर। तो आप कैसे अनबैंड करा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। ये दोस्तों, तो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको सर्च बार में टेलीग्राम सपोर्ट टाइप करना है। तो आप टाइप कर देंगे तो और फिर उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। उसमें बहुत सारे आपको साइट, चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ नेट, सॉरी। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपको टेलीग्राम सपोर्ट के ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है पहले ऑप्शन, तो उस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बताना है अपनी, जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर प्रॉब्लम बताना है। तो सेम जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, आपको और अलग कुछ नहीं लिखना है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही लिखना है। डियर टेलीग्राम, माई टेलीग्राम नंबर इज बैंड, ओके। और हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग बड़ी गौर से देखना आपको। डियर टेलीग्राम, माई टेलीग्राम नंबर इज बैंड, ओके, प्लीज अनबैंड माई टेलीग्राम नंबर, ओके। तो इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है माई टेलीग्राम नंबर इज, आपका जो टेलीग्राम नंबर है जो बैन हो गया है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है माई टेलीग्राम नंबर इज के बाद यहाँ पर जो भी आपका नंबर है। चलिए मैं सिंपली से ये वाला नंबर लिख देता हूँ। जो आपका बैन हो गया है आपको सिर्फ वही लिखना है। और यहाँ पर आपको जीमेल, कोई सी भी आपको जीमेल डाल देनी है, अपनी खुद की जीमेल, ऐसा नहीं कोई सी फेक जीमेल नहीं डालनी आपको। तो यहाँ पर आपको जेन्युइन जीमेल डालना है और यहाँ पर योर नंबर, योर फ़ोन नंबर, तो आपको यहाँ पर जो आपका बैन है वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा, थैंक्स फॉर फीडबैक या थैंक्स फॉर रिपोर्ट। तो आपके कुछ टाइम बाद आपका जो टेलीग्राम है वो ओपन हो जाएगा, आप कुछ टाइम बाद मैसेज आने के बाद। तो उसके बाद आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें आपको बैंड नंबर डालना है और आपका 100% अनबैंड हो कर देंगे टेलीग्राम वाले, आपका नंबर अनबैंड कर देंगे और लॉगिन आप हो जाएंगे। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका नहीं हुआ, तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना या इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, मैं 100% आपका अनबैंड करा दूंगा नंबर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।